मैं सुमो यूनियन प्रेसिडेंट कफील खान मेंडर से बोल रहा हूँ। इस वक्त बस स्टैंड के ऊपर हम सब खड़े हैं, ये मेरे ट्रांसपोर्टर भाई खड़े हैं। और यहाँ पर इससे पहले जो है कोरोना वायरस जो चल रहा था उसके बीच में भी जो है यहाँ पर पिछला कॉन्ट्रैक्ट जो हमारे स्टैंड का था 24 लाख था, इस बार जो है 16 लाख रुपया कॉन्ट्रैक्ट हुआ है दोबारा से। एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेवार वहाँ पर मौजूदा हालत में थी और 16 लाख रुपया जो है वो इन्होंने कहाँ वो लिया या नहीं लिया उसका हमें पता नहीं है। लेकिन ये स्टैंड हमारे स्टैंड की जो हालत है वो खस्ता हालत है, क्योंकि यहाँ पर जो है गंदगी के जो है ढेर लगे हुए हैं और गंदगी की जो है वो सफाई नहीं हो रही है। यहाँ पर बदबू से जो है यहाँ से लोग भागते हैं, ड्राइवर हमारे भागते हैं। लेकिन डेली की जो है यहाँ पर जो चार्जिंग होती है 30 रुपये फी हमारी गाड़ी जो है वो चार्ज देती है, और उससे अलावा यहाँ पर कम से कम 1500-2000 गाड़ी जो है हमारी ऊपर अप डाउन होती है यहाँ से। और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है बाथरूम जो है वो बाथरूम बंद है, बाथरूम नहीं खुले हुए हैं। वो पैसा भी जो है बाथरूम का जो पैसा है वो भी ये चार्ज करते हैं और वो पैसा भी नहीं मिलता है। और तीसरी बात ये है कि यहाँ पर कोरोना वायरस से महामारी से ये लोग हमारे आगे तंग हैं और इनको और तंग किया जा रहा है। और तीसरी बात ये है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से कि यहाँ पर पानी जो है यहाँ पर पानी का कोई अरेंजमेंट नहीं है। हमारे पैसेंजर यहाँ पर आते हैं और बाहर बैठे रहते हैं, पैसेंजर जो हमारे पैसेंजर शेड है यहाँ पर वो भी नहीं है। और इतनी गंदगी है मैं कहता हूँ कि किसी तहसील के अंदर इतनी गंदगी नहीं है। और इतना कॉन्ट्रैक्ट देने के बावजूद, इतना पैसा इकट्ठा करने के बावजूद ये पैसा कहाँ जाता है। मैं DC पुंछ राहुल यादव साहब से अपील करता हूँ कि आप इस पैसे की जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन करें। और मैं SDM मेंडर साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, तहसीलदार मेंडर से, और दूसरा मैं अजाज भट्ट DC साहब से, ये अपने अजाज भट्ट अपने BDO साहब से ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप स्टैंड के अंदर आएं। मैंने कई बार आपके बारे में कहा है कि आप बस स्टैंड के अंदर आएं। यहाँ पर हमारी नालियों की, बाजार की नालियों की क्या कंडीशन है। पिछले दिनों में जितना गोल्ड का पानी था वो पानी जो है बाजार के अंदर घुसा और हमारे दुकानदार भाइयों का जो है वो नुकसान हुआ, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। कंप्यूटर की दुकानें जो है वो डूब गई और लोगों का जो है कपड़ों का कितना नुकसान हुआ उसके ऊपर कोई गौर ही नहीं करता है। लेकिन ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन मुझे लगता है ये चाहती है कि हम लोग जो है रोड पर आए तो इनके लिए एहतजाज करें तो वो इनको अच्छा लगेगा। मैं इसी पे इजाजत चाहता हूँ। Thank you.